नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके भी पास जियो का सिम है और उससे किसी को कॉल कर रहे हैं तो कॉल इंडेड दिखा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पर आने के बाद अगर आपके फ़ोन में जियो का सिम लगा हुआ है और उससे आप किसी को कॉल कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं तो वहाँ पर कॉल इंडेड दिखा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको हम कुछ ऐसे स्टेप बताएंगे जिसके ज़रिए आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में अभी जियो का नेटवर्क है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में जियो का नेटवर्क भी है उसके बाद भी कॉल नहीं लग रहा है या नहीं भी है, तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को एक बार ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद यहाँ से आपको एक बार अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से ऑफ़ कर देना है। ऑफ करने के थोड़ा देर बाद अब आपको यहाँ से कॉल मिला के देखना है, कॉल लगा के देखना है कि कॉल लग रहा है कि नहीं। अगर उसके बाद इतना से भी कॉल नहीं लगता है तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपके जिस भी सिम कार्ड में यहाँ पर जियो का सिम लगा हुआ है उसको आपको यहाँ से सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से यह चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो इनेबल का ऑप्शन दिख रहा है आपके फ़ोन में यह इनेबल है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ से सिम कार्ड ऑफ होने के कारण आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं जाता है तो कॉल नहीं लग पाता है, तो आपको यह चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर का, तो यहाँ पर कैरियर में आपका जिस भी कंपनी का सिम लगा होगा तो वह दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में जियो का 4G सिम लगा हुआ है तो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर कैरियर में जियो 4G नहीं दिख रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो आपको कैरियर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में यहाँ से ऑन है तो सिंपल आपको यहाँ से इसको एक बार ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ से फिर से आपको ऑफ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऑफ पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको नीचे में एक अवेलेबल नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको जियो 4G सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ से जियो 4G सेलेक्ट है तो ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से ऑटो सेलेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से इसको ऑन कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से कॉल लगा के देखना है कि आपका कॉल लग रहा है कि नहीं। अगर इतना से भी कॉल नहीं लगता है तो अब आपको अपने फ़ोन में जियो का चेक कर लेना है कि आपका रिचार्ज प्लान है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि लोगों का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी कॉल करते रहते हैं जिसके कारण उनका कॉल नहीं लग पाता है, तो आपको यहाँ से जियो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आपको रिचार्ज प्लान चेक कर लेना है कि आपका रिचार्ज प्लान ख़त्म हो गया है कि बचा हुआ है। अगर आपके फ़ोन में जियो का रिचार्ज प्लान भी है उसके बाद भी कॉल नहीं लग रहा है तो एक बार अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके ऑन करना है, एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। इतना करने के बाद आपका जो कॉल नहीं लग रहा था वह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और यहाँ पर कॉल लगने लगेगा, वहाँ पर जो कॉल इंडेड दिखा रहा था वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन में जियो का जो कॉल नहीं लग रहा था इंडेड दिखा रहा था उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।